हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। देख सकते हैं ये जो पेपर है आईटीआई फीटर ट्रेड एनसीवीटी फोर्थ सेमेस्टर का है, और ये जो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ फ्री हैंड स्केचिंग फॉर एनी थ्री फॉलो, ये जो है ना फ्री हैंड स्केचिंग दिया गया था। 5 क्वेश्चन दिए थे जिसमें से 3 करना था, और एक मिसिंग व्यू दिया गया था जो थर्ड एंगल में बनाना था और टॉप व्यू निकालना है, ठीक है। और थर्ड जो है वी बेल्ट का दिया गया, इसमें जो 5 क्वेश्चन है इन्हें हमें हल करना था। ये एक क्वेश्चन जो है दो दो नंबर के, ठीक है। तो हम जो है मिसिंग व्यू आज हम दिखाने वाले हैं, ठीक है, मिसिंग व्यू का जो राइट आंसर क्या है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, धन्यवाद। तो हम मिसिंग व्यू वाला राइट आंसर इसका क्या है हम ये दिखाएंगे। तो पहले दोस्त एक तो हमें जो है ड्राइंग शीट में इस प्रकार की हमें जो है लाइन खींचना, कम से कम 5 या 10 mm का इनमें जो है बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। तो हमें बनाना है इसको जो है थर्ड एंगल में बनाना है। इसका जो है फ्रंट व्यू दिया है, साइड व्यू दिया है, तो ये हम थर्ड एंगल में इसे बनाना है। तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि सबसे ऊपर पहला होता है टॉप व्यू, ऊपर होता है, नीचे फ्रंट व्यू होता है, और साइड में साइड व्यू होता है, ठीक है। तो पहले हम जो है फ्रंट व्यू का जो है पूरा डायमेंशन बना लेंगे, ठीक है। जैसा पहला इसकी लेंथ जो है 65 है और यह है 60, तो हम इस प्रकार से जो इसको बना लेंगे, ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। देख सकते हैं ये तो देखा आपने हमारा जो है फ्रंट व्यू ये तैयार है। अब हम जो है साइड व्यू बनाएंगे, ठीक है। साइड व्यू के लिए इसकी जो लेंथ लेंगे हम 65 ही रहेगी, ठीक है, 65 लेंगे। ये मैंने जो है 65 इसे ले लिया है ना। यहाँ से मैं थोड़ा डार्क करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ से 15 का एक बॉक्स तैयार करना है, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से कर दूँगा कितना, 50 करूँगा, ठीक है, 50 करूँगा। ये 50 हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है 60 का एक 50 का लाइन खींच देता हूँ और इसे मैं इसे मिला दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 15 का एक बॉक्स बनाना है। तो 15 पे मैंने जो है एक निशान लगा लिया है, और यहाँ से मुझे एक 15 का निशान लगाना है, ठीक है। तो ये 15 का मतलब कि 10 और 5 50, ठीक है। 15 से सीधे मैं यहाँ से सीधे एक लाइन खींच दूंगा, ठीक है। ये मैंने लाइन खींच दिया 50 का, और मैंने इसे मिला लिया। ये मेरा जो है साइड व्यू तैयार हो रहा है, ठीक है। तो हम इसे मिटा लेते हैं और यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। तो ये हमारा जो है साइड व्यू बन गया है ना, ठीक है। ये साइड व्यू हमारा तैयार हो गया। अब साइड व्यू के बाद हमें क्या बनाना है, अब ये टॉप व्यू बनाना है, ठीक है। टॉप व्यू अभी फ्रंट व्यू के ऊपर बनेगा टॉप व्यू। तो पहले हम 45 डिग्री का जो पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे एंगल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम 45 डिग्री का क्या बना लेते हैं, एंगल बना लेते हैं, देख सकते हैं ये। और ये हमें एक हल्की सी लाइन खींचना है, ठीक है, क्योंकि हमें इसे मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये खींच, अब इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसका प्रोजेक्शन ले लिया साइड व्यू का, ये और ये जो लाइन है उसकी लाइन से
50 डिग्री की लंबाई में है, ठीक है, टॉप व्यू की ये, तो इसे मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है 50 कर दिया यार, यहाँ से 60 है तो मैं से 60 ठीक है, ये हो गया कितना 50 और ये हो गया 60 ठीक है, ये हमें जो है इस प्रकार का जो है बॉक्स हमें तैयार हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें एक प्रोजेक्शन लाइन खींचना है, एक प्रोजेक्शन लाइन ये हमें 15 की मिल गई और इसका 60 का हमें एक सेंटर निकाल के ये 10 का हमें एक लाइन बना लेना है। इस प्रकार से हमें जो है टॉप व्यू बन चुका है, ठीक है देख सकते हैं। अब हम इसका डायमेंशन कर देंगे, डायमेंशनिंग कर देंगे ठीक है जी। ये जिसने जो इस प्रकार का जो बनाया है उसका जो आंसर है राइट है।